अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सुलेमान्स किचन। मैं हूं आपका होस्ट सुलेमान। आज की हमारी रेसिपी है डेट एंड आमंड्स रेसिपी, या डेट एंड आमंड्स ट्रफल्स, या बॉल्स आप जिसे कह सकते हो। बेसिकली जो है डिज़र्ट रेसिपी है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है, इजी है बनाने में, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही रिच है विटामिन्स और प्रोटीन्स में। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगी। बहुत ही गमी और सॉफ्ट जो है ये बनी है, बहुत ही जो है खाने में मज़ेदार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बादाम। यहाँ पर मैंने 120 ग्राम्स बादाम जो है लिए हुए हैं इस कप में, लेकिन हमें जो बेसिकली ज़रूरत है इस सारे को बनाने के लिए, इतने बॉल्स जितने मैंने बनाए हैं, टोटल हमें 80 ग्राम्स बादाम लगेंगे इसमें। तो चलिए, खजूर मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, डेट्स जो कि सॉफ्ट डेट्स हैं, बहुत ही जो है वैरायटी में जो है ये मिलते हैं, कई ब्रांडेड होते हैं, कई लोकल मिलते हैं। आप कोई भी सॉफ्ट मीठे जो है आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बेसिकली जो है इस खजूर को इस तरीके से तोड़ करके इसके सीड्स निकाल देने हैं, यानी कि बेसिकली डी सीड कर देना है हमें खजूर को, और ये जो ऊपर का जो बटन जैसा टेक्सचर होगा, सॉरी जो पार्ट है, उसको भी निकाल देना है। तो चलिए, सारे खजूर 20 खजूर मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, इसको इसी तरीके से साफ़ कर लेने हैं। तो लीजिए, सारे डी सीड करने के बाद जो है इस तरीके से कुछ लगने लगेंगे, तो अब हम इसे जो है अच्छे से जो है काट देंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो लीजिए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैं इसे काटने लगा हूँ, जितने पीसेस में मैं इसे काट रहा हूँ इस तरीके से पीसेस में हम इसे काट लेंगे, तो आगे जो हमारा प्रोसेस है उसमें हमें आसानी होगी, या फिर आपको आप इसे काटे बगैर भी छोड़ सकते हो। तो लीजिए, एक कप जो है टोटली 20 खजूर जो है बने हैं एक कप के जो है क्वांटिटी में। तो लीजिए, इसको साइड पर रख देते हैं। अभी जो है बादाम मैंने यहाँ पर जो है उसका छिलका निकाल लिया था, चूँकि जो बादाम अब हैं वो भीगे हुए हैं, तो हल्के से मैं पैन पर डाल करके इसको जो है टॉस कर रहा हूँ, ताकि इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, और आगे जो हम इसको जो है ग्रेट करने वाले हैं बादाम को, उसमें हमें जो है आसानी हो जाए, वरना भीगे रहेंगे तो ग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा जो है चिपचिपे जो है ये बन जाएंगे, एकदम खुले खुले नहीं बनेंगे। तो हल्के से इसको टॉस कर लेते हैं, या फिर आप इसको थोड़ी देर फैन के नीचे रख देंगे तो अच्छे से जो है सूख जाएंगे। तो लीजिए, हल्के से पैन में टॉस करने के बाद मैंने इसको साइड पर निकाल लिया है। मैं यहाँ पर आपको जो है कोकोनट दिखाना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 100 ग्राम जो है ड्राई कोकोनट है, जो कि सूखा खोपरा जिसे कहते हैं, इसको मैंने अच्छे से एकदम फाइन जो है ग्रेट कर लिया है। आप जो है डेसिकेटेड कोकोनट का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली टेक्स्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसका उसका, लेकिन बेसिकली इतना हमें चाहिए होगा। तो लीजिए, अभी बादाम ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ये ग्रेटर लिया हुआ है, जिसमें इस तरीके के जो सबसे छोटे जो है होल जिसमें हम ग्रेट करेंगे इसको, आप इससे छोटे हों तो उसमें भी आप ग्रेट कर सकते हो, इतना ग्रेट करना काफ़ी होगा। तो लीजिए, हल्के से जो है इसको ईजीली जो है हम ग्रेट कर लेंगे सारे इस तरीके से, सारे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको जो है आगे बढ़ते हुए भूनने की ओर, हल्के से जो है बादाम को भूनना पड़ेगा, क्योंकि ये कुकिंग रेसिपी नहीं है, बस मेकिंग कर रहे हैं हम इसको। तो चलिए, अभी जो पैन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये बेसिकली वही पैन है जो मैंने बादाम को जो है सुखाने के लिए यूज़ किया था, तो बस वही मार्क्स बने हुए हैं, पैन कोई गंदा नहीं है। तो लीजिए, इस तरीके से चम्मच से सौते करते हुए आप इसको भून सकते हैं, या फिर पैन को हल्के से टॉस करके भी आप भून सकते हैं। फ्लेम मैंने यहाँ पर जो है एकदम जो है मीडियम रखी हुई है, आप लो रखें या फिर मीडियम रखें, हाई बिल्कुल ना रखें, वरना जो ग्रेटेड बादाम है जल भी जल्दी जाएंगे। तो लिए लगभग 5 से 6 मिनट आपको टोटली लगेंगे इसको टोटली अच्छे से जो है भूनने में। आप जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो 4-5 मिनट गुजरे हुए हैं, हल्के से जो है ये लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बस इतने तक हमें इसको भूनना है और ज़्यादा नहीं भूनना, वरना जो है हल्का सा इसके अंदर कड़वा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो लीजिए, हल्के से इसको इसी तरीके से टॉस करते हुए भूनेंगे, और मैंने इसको जो है फिर भूनने के बाद चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लिया है। हल्के से इसको फैला देते हैं ताकि जो है अच्छे से ये एकदम ठंडा हो जाए। तो लीजिए, हल्के से मैंने इसको फैला दिया और थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से जो है ठंडा हो जाए। तो लीजिए, अभी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक सॉस पैन, जिसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, अच्छे से पानी जो है बॉईल हो रहा है,
मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर में लिए हुए हैं खजूर जो कि हमने डी सीड किए हुए थे। हमें बेसिकली इसको जो है जैसे चॉकलेट को हम मेल्ट करते हैं इस तरीके से हमें इसको जो है पकाना है। आपके पास कोई और स्ट्रेनर हो जो आप सॉस पैन के ऊपर टोटली बंद कर दें या फिर रख दें ऊपर और उसमें खजूर डाल दें तो जो भाप होगी पानी की इससे जो है खजूर हमारे हल्के से जो है पकने लगेंगे। मेरे पास स्ट्रेनर छोटा है, अगर मैं पैन पर रखूँगा तो ये अंदर चला जाएगा और सारा पानी जो है खजूर में मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है मैं इसको हाथ से पकड़ करके इसको जो है हल्के से पका रहा हूँ। अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर है तो सॉस पैन के ऊपर रख दें और अच्छे से जो है इसको आप पका लें। लगभग इसमें जो है 15 मिनट आपको लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ योर खजूर, जो क्वांटिटी है खजूर की उसके ऊपर। तो लीजिए लगभग ही अभी जो है 6 से 7 मिनट गुजरे हैं जिसमें अभी आप देख पा रहे हो कि खजूर जो है इस तरीके से एकदम पेस्ट जैसे बनने लगे हैं। अभी टोटली पेस्ट इसका नहीं बना है, हल्के से पकना शुरू हुए हैं। अब जो है यहाँ पर तकरीबन ही 12 मिनट गुजर चुके हैं, 12-15 मिनट गुजर चुके हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो एकदम फाइन पेस्ट में जो है बन गया है, काफ़ी थिक जो है बन गया है, सारे जो है एकदम फ्यूज़ हो गए हैं। पानी भी हमारा साफ है, खजूर कुछ अंदर नहीं गिरा है पानी में। तो लीजिए इसको इस तरीके से पकाते हैं, बस अभी हो गया है तो अब इसको निकाल लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिया हुआ एक बाउल जिसमें मैं जो खजूर हमने बनाए थे उसको डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पर खजूर जो है ठंडा हो गया है तो बेसिकली हार्ड हो गया होगा, जो स्ट्रेनर पे लगा हुआ था खजूर उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो लीजिए शहद मैं इसमें डाल रहा हूँ, हनी यानी कि 1/2 टेबल स्पून मैं शहद इसमें डाल रहा हूँ। बेसिकली स्वीटनिंग के लिए मैंने इसमें डाला है। अगर आपको स्वीटनिंग कम चाहिए, स्वीट फ्लेवर, तो आप हनी को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा सिनेमन मैंने डाला हुआ है, कोर्स सिनेमन है, पाउडर नहीं है एकदम टोटली। अब जो है इसको मिक्स करते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो हल्के से जो है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम हार्ड हो गई है, जिसकी वजह से मिक्स करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है। आप इस स्टेप को जो है टोटली लास्ट में करें, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया खजूर को करने के लिए। मैंने ये पहले ही कर लिया था तो अभी जो है ये हार्ड हो गया है। तो कुछ नहीं करना, बस थोड़े से गर्म पानी में जो है आपका जो मिक्सिंग बाउल है उसको गर्म पानी में रख दें। जैसे ही बाउल हल्के से गर्म होगा तो ये भी जो है इसकी कंसिस्टेंसी भी ढीली होनी शुरू हो जाएगी और आपको जो है मिक्स करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो लीजिए जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो हल्के से मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ, हल्के से ये ढीला होने लगा है। तो लीजिए इसी तरीके से इसको मिक्स करते हैं, स्पून की मदद से काफ़ी अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, जो ग्रेटेड बादाम हमने रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, टोटली सारा नहीं ऐड करेंगे, वरना अगर बादाम ज़्यादा हो गए तो ये जो है अपने अंदर लेगा नहीं खजूर का जो पेस्ट है वो। आप यहाँ पर एक और स्टेप भी कर सकते हो कि आप 80 ग्राम्स बादाम और 20 जो है खजूर अगर आप ले रहे हो तो इसको जो है सारा पकाने के बाद में जो मिक्सिंग है इसके लिए आप इसको ब्लेंडर में डाल करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो। लेकिन होगा ये कि वहाँ पर एकदम फाइन जो है आपका जो है ये मिक्सचर बन जाएगा, ऐसा कोर्स नहीं बनेगा जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ। मुझे हालांकि कोर्स जो है पसंद है, जब आप इसको खाओगे चबाओगे तो आपको जो है अच्छा सा जो है पता चलेगा कि फ्लेवर जो है बादाम का, खजूर का और कोकोनट का फ्लेवर आपको पता चलेगा। इसलिए मैं इसको जो है इसी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा सा और बादाम भी मैंने इसमें डाल दिया, ग्रेटेड बादाम। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, मिक्स बहुत ही इजीली हो जाएगा जल्दी से, थोड़ा सा मेहनत लगेगी और अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट। कोकोनट ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कोकोनट सारे बॉल्स बनाने के बाद भी हम इसको कोकोनट जो है इस पर डालने वाले हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देना है अभी, और थोड़ा सा कोकोनट डालना है जो कि ग्रेटेड कोकोनट मैंने लिया हुआ है। तकरीबन ही जो है 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसमें डालें ग्रेटेड कोकोनट, बस उतना काफ़ी है। तो लीजिए लगभग ही 2 टेबल स्पून जो है मैंने ग्रेटेड का कोकोनट इसमें डाला है। इसको भी जो है अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं एकदम फाइनली। अब जैसे जैसे आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते जाओगे तो ये थिक होता जाएगा और मिक्सिंग में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें और जब भी ये लगभग ही गरम गरम रहेगा आप इसको इजीली जो है बॉल्स बना सकते हो। ठंडा होने के बाद भी इजीली बन जाएगा क्योंकि जो इसके अंदर जो गमी टेक्सचर है, जो स्टिकीनेस है, इसकी वजह से जो है ठंडे पर भी बन जाएगा, वरना गरम में जो इजीली बन जाएगा।
तो लीजिए सारा कुछ मिक्स करने के बाद अब जो बॉल्स हम ले रहे हैं, यानी कि सॉरी जो हम मिक्सचर ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं थोड़ा सा जो है छोटे बॉल्स बनाने वाला हूँ, तो इसलिए छोटा सा मैंने लिया हुआ है पार्ट इसका। हल्के से इसको हाथों के बीच में रोल करें तो इजीली, जैसे कि आप जामुन बनाते हो, स्टिकीनेस की वजह से इजीली जो है ये एकदम जल्दी जो है ये बन जाएंगे इस तरीके से। जब आप इसको रोल कर चुके हैं तो आप थोड़ा सा कोकोनट, जो हमने यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट रखा है, तो उसमें इसको डाल देते हैं अच्छे से जो है, जैसे चिकन पर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं एग लगाने के बाद में, इस तरीके से आप इसको कोट कर दें हल्के से। इसके अंदर जो है आप इसको डालेंगे, जब ये लग जाएगा तो उठा करके थोड़ा सा आप इसको जो है हल्के हाथ से रोल कर देंगे, तो जो कोकोनट इस पर लगा है हल्के से इसके अंदर जो है परमानेंटली बैठ जाएगा इस तरीके से। फिर से एक बार हल्के से रोल कर देंगे तो बस हो गया हमारा जो डेट एंड आमंड ट्रफल है या बॉल्स हैं, वो बन करके तैयार हो गए हैं। बस इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही इजी रेसिपी है, कम समय लगता है बनाने में, लेकिन जो प्रिपरेशन है उसमें लगभग ही आपको 40 मिनट से आधा 1 घंटा जो है लग जाएगा। तो लीजिए सारे मैंने बना करके तैयार रखे हुए हैं, एक जो है बड़ा हो गया है, क्योंकि सारा मिक्सचर ख़त्म होने के बाद इतना ही बचा था, तो अगर दो बनाएंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा, तो एक बन गया है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है बने हैं। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए। आखिर में जो है थोड़ा सा शहद के साथ हम इसको गार्निश कर देते हैं, तो लीजिए हल्के हाथ से मैं इसको गार्निश कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। तो लीजिए शहद डालने के बाद, हल्के से गार्निश करने के बाद हमारे सारे ट्रफल्स जो है बन करके तैयार हो चुके हैं। बच्चों को आप इसे बना करके खिलाएं, बहुत ही जो है हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएंगी, अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बहुत ही जो है सॉफ्ट और गमी ये बने हैं, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार के लिए, तब तक के लिए सपने घर में बनाना बिल्कुल ना भूलें।